तो दोस्तों गोभी के पराठे हम बनाने वाले हैं। उसके लिए हमने करीब 700 से 800 ग्राम एक बड़ा गोभी का फूल ले लिया है, जिसका डंठल आप देख सकते हैं हमने हटा लिया और एक भगोने में हमने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो इस पूरी की पूरी गोभी के फूल को हमें जो है उबालना है, तो हम सीधे इसको इस पानी के अंदर डाल देते हैं और ढक्कन हम लगा देते हैं और करीब 1 से 2-3 उबाल आने तक आपको जो है इसको उबाल लेना है और उबलने के बाद आगे का हम प्रोसेस शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों करीब 4 से 5 मिनट का वक्त लगा और 2 से 3 उबाल आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो गोभी है वो उबल चुकी है और एकदम व्हाइटिश हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा व्हाइट हो चुकी है। आप देख सकते हैं सारा जो इसका एक्स्ट्रा कड़वा टेस्ट था वो हट चुका है। तो अब हम इसको जो है बाहर निकाल लेते हैं। गोभी के पराठे बनाने के लिए आपको जो है उबालने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, तो शानदार तरीके से ये अच्छे बनेंगे। तो आपको करीब 1 से 2 मिनट तक इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है एक कपड़े के ऊपर, और आपको देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से इसका जो पानी है वो आपको हटाना है। एक साफ कपड़े से इसको पोंछ लें ताकि जो इसका वाटर है एक्स्ट्रा वाटर वो हट जाएगा। और अब आपको इस गोभी को जो है कद्दूकस करना है कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं कि हमने बीच का एक टुकड़ा हटा लिया है और इसको कद्दूकस करते हैं। इसके अंदर आपको जो है बारीक यहाँ पे बारीक तरीके से इसको कद्दूकस करना है, तो आप बारीक वाले यहाँ पे दानों का यूज करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने गोभी को जो है कद्दूकस कर लिया है बहुत ही आसानी के साथ। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही है, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया हमारे पास मौजूद है और बारीक कटे हुए 2 प्याज हमारे पास मौजूद हैं। तो इस गोभी का जो कद्दूकस की हुई इसका मॉइस्चराइजर हटाने के लिए हमने एक देसी तरीका यूज किया, एक कपड़े की मदद ली है, और आपको सारी कद्दूकस की हुई जो गोभी है इसके अंदर आपको डालनी है कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा कटा हुआ बारीक कटा हुआ हरा धनिया है जो हमने धोया था, इसको भी आप इसके साथ डाल दें, और ये जो प्याज है वो भी आप इसके अंदर डाल दें। तो कुछ देसी तरीके की मदद हम ले रहे हैं, तो आपको इस कपड़े की मदद से, सूती कपड़ा है, इसकी मदद से आपको इसको प्रेशर करके जो इसका सारा पानी है वो आपको हटा देना है। आप देख सकते हैं कि काफी सारा जो वाटर है इसके अंदर से रिलीज हो रहा है और काफी सारा मॉइस्चराइजर जो है हम इसको दूर कर रहे हैं। तो पानी निकालने के बाद जो आपकी गोभी का जो पूरा मिक्सचर है वो कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा है, गोभी प्याज और हरी धनिया का, इसको आपको एक बर्तन के अंदर वापस निकाल लेना है। आप देख सकते हैं इतना सारा वाटर जो है इसके अंदर से रिलीज हुआ था और इस पानी को आपको जो है बाहर फेंक देना है। तो दोस्तों अब इसके अंदर कुछ ऐड करने की बारी आती है, तो सबसे पहले हमें सॉल्ट, साधारण नमक जिसे कहा जाता है, 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और आप स्वाद के अनुसार थोड़ा और भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हम लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर डालते हैं करीब 2 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट है करीब आधा कटोरी जो हमने यहाँ पे कूट लिया है वो इसके अंदर आपको डालना है, और बारीक कटी 2 हरी मिर्च इसके अंदर आपको डालनी है, और इन सभी चीजों को आपको जो है अपने हाथों से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि बहुत ही अच्छा मिश्रण बनेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सारा का सारा जो मिक्सचर है हमने अपने हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। तो अब हमने इधर आटा भी लगा लिया है और पराठे बेलने की बारी आ चुकी है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको आटे का एक भाग लेना है और इसकी रोटी बेलनी है। तो गोभी का पराठा हम बेलने जा रहे हैं, तो आपको कुछ इस प्रकार से जो है रोटी एक बेल लेनी है। आप जिस हिसाब से चाहे उसकी साइज सेट कर सकते हैं, और जो हमने मसाला तैयार किया था गोभी का वो इसके अंदर आपको फील करना है कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं चारों तरफ इसको आपको फैला लेना है और वापस से इसको जो है अच्छी तरीके से पैक कर लेना है कुछ इस प्रकार। We'll be right back.
अभी मसाला पराठा हमने बेल लिया है और अब बारी आती है इसको सेकने की। तवा हमने चढ़ा दिया है तो हम इसको सीधा सेक लेते हैं। 15-20 सेकंड आपको पहले एक हिस्से से सेकना, उसके बाद इसको पलटना है और उसके ऊपर आप घी का यूज कर सकते हैं और ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तो दूसरे पराठे की बारी आ चुकी है, तो सभी पराठे आपको कुछ ऐसे ही बनाने हैं और उनको अच्छी तरीके से देसी घी के साथ सेकना है और उनका लुफ्त उठाना है गोभी के पराठों का।